आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वाला एक्शन यूपी में नया नहीं है। पिछले कुछ समय से यूपी में बुलडोजर कड़क कानून व्यवस्था का सिंबल बन चुका है। सीएम योगी अपनी चुनावी रैलियों में इस एक्शन का बार बार जिक्र करते रहते हैं और ऐसे में आज की सुनवाई बेहद अहम है। चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते रहे कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर तैयार है। यूपी में जब बीजेपी जीती तो बाकायदा जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर जश्न मनाया। बुलडोजर एक तरह से योगी की मजबूत छवि का प्रतीक चिन्ह बन चुका है। यूपी में योगी की सत्ता की दूसरी पारी शुरू होते ही शहर शहर बुलडोजर गरजने भी लगे। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, यूपी के शहर शहर से बुलडोजर वाले एक्शन की तस्वीरें आई हैं। कहीं अवैध अतिक्रमणों को साफ किया गया तो कहीं माफिया और दंगे के आरोपियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चलाए गए। पिछले शुक्रवार को यूपी के कई शहरों में हुए बवाल के बाद सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि कोई कसूरवार बख्शा नहीं जाएगा। हर एक गतिविधि पर हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो पद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। फिरोजाबाद से लेकर प्रयागराज तक दंगे के आरोपियों के पोस्टर लग चुके हैं। इनकी पहचान की जा रही है। जिनकी पहचान हो चुकी है उनकी आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है। उनकी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है ताकि किसी की अवैध संपत्ति मिलने पर बुलडोजर से जमींदोज किया जा सके। बुलडोजर एक तरह से त्वरित न्याय का सिंबल बन चुका है। सुनिए गोंडा के एसपी का बयान। कल के जुम्मे में शांति बहाली को लेकर हुए बैठक के बाद उन्होंने किस तरह बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया। सर पिछले बार बुलडोजर खड़ा था, क्या मतलब था? सिंपल सा मैसेज है कि पहले हम लोग चाय पिलाने की बात करेंगे। जो चाय पीना चाहता है चाय पी ले और जो नहीं मानेगा बदमाशी करेगा उसके लिए संपूर्ण तैयारी पुलिस लाइन में प्रत्येक दिन होती है, जिसमें टियर गैस शेल से लेके पंप एक्शन गन से लेके हर चीज की तैयारी हमारे सिपाही से लेके पूरे इंस्पेक्टर तक में सबने कर रखी है। जो चाय की भाषा या रिक्वेस्ट की भाषा नहीं मानता है उसे बुलडोजर की भाषा में फिर बात किया जाएगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी चेतावनी दे रहे हैं कि जुम्मे पर पत्थर चलेगा तो अगले रोज बुलडोजर भी चलेगा। हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। यानी न दलील न सुनवाई, बस बुलडोजर वाली कार्रवाई। आज तक ब्यूरो।